गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में आज अपन चैप्टर सेकंड रीड करेंगे, नाउंस काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। नाउंस अपन ने इससे पिछले वाले चैप्टर में आपके साथ वीडियो शेयर किया है और आज अपन देखेंगे नाउंस काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ऑल कॉमन नाउंस कैन बी डिवाइडेड इन टू नाउंस। सारे जो नाउंस है उसको टू नाउंस में डिवाइड कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। ओके, द नाउन विच कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। वे नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन्स होती है। फॉर एग्जाम्पल्स, कार्स को अपन काउंट कर सकते हैं कि 4 cars है, 5 cars है, 100 cars है या 10 cars है। बैग्स को काउंट कर सकते हैं, बुक्स को काउंट कर सकते हैं, एप्पल्स को काउंट कर सकते हैं, जैसे 4 apples है, 10 apples है, 100 apples है, इस तरह से काउंट कर सकते हैं। तो ये होती है काउंटेबल नाउन्स। सेकेंडली अपन ने देखा है अनकाउंटेबल नाउन। द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल। वे नाउन जो काउंट नहीं की जा सकती उनको अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क को काउंट नहीं कर सकते, चीज़ को काउंट नहीं कर सकते, ऑयल, पेट्रोल इनको काउंट नहीं कर सकते, एयर, विंड इनको काउंट नहीं कर सकते। तो ये है अनकाउंटेबल, इनको 1, 2, 3 में काउंट नहीं कर सकते, काउंटिंग में इनको नहीं ले सकते, इसलिए ये अनकाउंटेबल है। ओके, लुक एट दिस सेंटेंस बिलो। अब इन सेंटेंस को देखिए जिनमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में और क्लियर किया गया है। द बॉयज आर ड्रिंकिंग मिल्क। ओके, फर्स्ट सेंटेंस, द मदर गिव मी चीज टू ईट। ओके, थर्ड सेंटेंस, द विंड डैमेज्ड मैनी ट्रीज। अब देखिए इनके बारे में क्या एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। इन द अबव सेंटेंसेस द नाउन इन बोल्ड आर काउंटेबल। बोल्ड यानी बोल्ड लेटर्स में जो लिखा हुआ है वो काउंटेबल नाउन्स हैं। ये काउंटेबल है बॉयज, मदर काउंटेबल है, ट्रीज काउंटेबल है। ओके, एंड द नाउन्स इन इटैलिक आर अनकाउंटेबल। इटैलिक जो लिख रखा है वो अनकाउंटेबल है। मिल्क अनकाउंटेबल है, चीज अनकाउंटेबल है, विंड अनकाउंटेबल है। ओके, इन सेंटेंसेस में ये है, बॉयज आर ड्रिंकिंग मिल्क, बॉयज काउंटेबल, मिल्क अनकाउंटेबल, मदर काउंटेबल, चीज अनकाउंटेबल, विंड अनकाउंटेबल, ट्रीज काउंटेबल। ओके, और बताया क्या है, काउंटेबल नाउन्स हैव बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। काउंटेबल नाउन जो होती है वो सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है फॉर्म में, वाइल अनकाउंटेबल नाउन्स डू नॉट हैव ए प्लूरल फॉर्म। उनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती है, वो एक फॉर्म में ही होती है, सिंगुलर में। ओके, ये तो हो गई आपके काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स। अब इससे रिलेटेड अपन एक्सरसाइज करेंगे तो मीनिंग और भी क्लियर हो जाएगा। ओके, नाउ सी क्वेश्चन ए। पुट अ टिक राइट फॉर काउंटेबल नाउन्स एंड क्रॉस फॉर अनकाउंटेबल नाउन। ये जो है वर्ड्स दिए हुए हैं, इनमें आपको देखना है जो काउंटेबल नाउन है उनको राइट का टिक लगाना है और जो अनकाउंटेबल नाउन है उनको क्रॉस का टिक लगाना है। गन्स काउंटेबल है, कैप्स काउंटेबल है, राइट का टिक लगाएंगे, काउस काउंटेबल है, राइट का टिक लगाएंगे, स्मोक अनकाउंटेबल है, क्रॉस का टिक लगाएंगे, एग्स काउंटेबल है, ब्रेड काउंटेबल है, वूल अनकाउंटेबल है, वूल जो है वो अनकाउंटेबल है, प्लेयर्स काउंटेबल है, शुगर अनकाउंटेबल है, क्रॉस का टिक लगाएंगे, मनी काउंटेबल है, राइट का टिक लगाएंगे, मैंगोज काउंटेबल है, राइट का टिक लगाएंगे, ऑयल अनकाउंटेबल है, क्रॉस का टिक लगाएंगे। ये मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है बिल्कुल, इसी तरह से आपको बुक में इसको फिल करना है। ओके, अरेंज द काउंटेबल नाउन्स इन कॉलम 1 एंड अनकाउंटेबल नाउन्स इन कॉलम 2। इसमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, इसमें से आपको सर्च करने हैं, जो ध्यान से देख के कॉलम ए है, कॉलम 1 है उसमें आपको काउंटेबल नाउन्स लिखनी है और कॉलम 2 है उसमें अनकाउंटेबल नाउन्स लिखनी है। तो देख लीजिए, सॉल्ट अनकाउंटेबल नाउन में आएगा, स्पून काउंटेबल में आएगा, करेज अनकाउंटेबल में आएगा, पेंसिल काउंटेबल है, बटर अनकाउंटेबल है, फ्रेंड अनकाउंटेबल है, फ्रेंड काउंटेबल है, अनकाउंटेबल नहीं है, फ्रेंड जो है वो अनकाउंटेबल नहीं है, काउंटेबल है। अपन नीचे लिख देते हैं इसको। ओके,
म्यूजिक अनकाउंटेबल है, टेबल काउंटेबल है, टॉय काउंटेबल है, विंड अनकाउंटेबल है, विंड अनकाउंटेबल है, ग्रास अनकाउंटेबल है, बॉल काउंटेबल है, ट्रेन काउंटेबल है, हाउस काउंटेबल है, और रेन जो है वो अनकाउंटेबल है, और टी है वो अनकाउंटेबल है. ओके, तो इस तरह से स्पून, पेंसिल, टेबल, टॉय, बॉल, ट्रेन, हाउस और फ्रेंड, ये काउंटेबल नाउन है. तो कॉलम वन में अपने लिखी है. और सॉल्ट, करेज, बटर, म्यूजिक, विंड, ग्रास, टी और रेन, ये अनकाउंटेबल है, इसलिए अपन ने कॉलम टू में लिखा है. ओके, क्लियर. नाउ क्वेश्चन सी, अंडरलाइन द काउंटेबल एंड सर्कल द अनकाउंटेबल नाउन्स. जो काउंटेबल नाउन है इनको अंडरलाइन करना है, जो अनकाउंटेबल नाउन है उसको सर्कल करना है. तो हेल्दी चिल्ड्रन ड्रिंक मिल्क, तो चिल्ड्रन काउंटेबल है इसलिए इसको अंडरलाइन करेंगे, मिल्क अनकाउंटेबल है इसलिए इसको सर्कल किया. द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, बर्ड्स काउंटेबल है, स्काई अनकाउंटेबल है इसलिए इसको सर्कल किया. ऑल द सोल्जर्स शोड ग्रेट करेज, सोल्जर्स काउंटेबल है इसलिए अंडरलाइन किया, और करेज है वो अनकाउंटेबल है इसलिए इसको सर्कल किया. द काइट वाज फ्लाइंग इन द एयर, काइट काउंटेबल है अंडरलाइन करेंगे, और एयर अनकाउंटेबल है सर्कल करेंगे. वी आर प्लान ए टूर फॉर द स्टूडेंट्स, टूर भी काउंटेबल है, स्टूडेंट्स भी काउंटेबल है इसलिए इसको अंडरलाइन किया. ऑल द प्लांट्स इन माई गार्डन आर ग्रोइंग वेल, तो प्लांट्स काउंटेबल है अंडरलाइन किया, गार्डन काउंटेबल है अंडरलाइन किया. ओके, तो आपको क्वेश्चन ए बी और सी आपको बुक में ही नोट करने हैं. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.